जया राधा माध कुंजाबिह जया गोपी जना वल्लभा गिरीवरा गया वल्ला भिरीवरा धारी नंदना ब्रज जनरंजन यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातिरावनचारि यामुनातिरावनचारि जायो राधा माधव कुञ्ज बिहारी जायो राधा माधव बिहारी प्रयोगाचार्य स्टोत्र शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय

ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुम गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद छे अध्याय नौ श्लोक अड़तालीस किम दुरापम मई प्रीते तथा विबुदर्षभा मयेकान्तमतिर्नान्यन् मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुदर्शभाः मयेकान्तमतिर्नान्यन् मत्तो

मतें किं दुराप मयि प्रीते तथा विबुदर्षभा मयेकामतिर्न्य अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ देखेंगे पहला किम क्या दुरापम दुर्लभ मई जब मैं प्रीते प्रसन्न तथापि फिर भी विभुद शबाहा हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ मई मुझ में एकांत अनन्य मति ही जिसका ध्यान न अन्यत और कहीं नहीं मतः मेरी अपेक्षा, अपेक्षा। वाचती चाहता है, है। तत्वित जो, जो सत्य को जानता है हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ यद्यपि असत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त करना कर लेना कठिन नहीं है तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थित है वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता तात्पर्य देवतागण स्तुति करने के बाद अपने शत्रु वृत्रासुर के वध के वध किए जाने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवतागण शुद्ध भक्त नहीं है यद्यपि भगवान के प्रसन्न होने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना सहज है किंतु भगवान को प्रसन्न करके देवता सदैव भौतिक लाभ की आशंका करते हैं भगवान चाहते थे कि देवता उनसे अमिश्रित शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करें। किंतु उन्होंने अपने शत्रु के संहार के अवसर मिलने के लिए प्रार्थना की शुद्ध भक्त तथा भौतिक पद पर आसीन भक्त का यही अंतर है अप्रत्यक्ष रूप से भगवान दुखी थे कि देवताओं ने शुद्ध भक्ति की याचना क्यों नहीं की ओम ज्ञानतिमरंद से ज्ञाजनशलाकय चक्षुर ये नस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोभिष्टम स्थप ये नूतले स्वयंप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाश श्री रूपां सागर जातां सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह ललिता श्री विशाकान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नितिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधार श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कि मयि प्रीते तथा व्यूदर्शवा मए एक मतिर्ना मत् हरे कृष्णा तो आज के इस प्रातकालीन भागवत सत्र में सबका स्वागत है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्री भगवान भगवान सब देवताओं को से चर्चा कर रहे बात कर रहे हैं उनसे वो कह रहे कि हे बुद्धिमान देवता यह सत्य है कि मुझे प्रसन्न करने से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है लेकिन तब भी जो शुद्ध भक्त रहता है वो मेरे भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगता तो ये आज के इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य भी शिला प्रौपात ने उसी संदर्भ में दिया हुआ है तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे तो चर्चा का विषय बेसिकली यहाँ पर है निष्किंचन भक्ति मतलब भगवान चाहते हैं कि देवता उनके जो भक्त है जब उनके पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए भक्ति के अलावा और कुछ ज़्यादा मांगे नहीं तो अच्छा रहेगा ये भगवान का व्यक्तिगत मत है जो उन्होंने यहाँ पर बता दिया देवताओं को क्योंकि देवताओं ने बहुत अच्छी तरह से सब प्रार्थना तो किया लेकिन अंत में वो क्या बोलते हैं वो कहते कि देखो ये वृतरा सूर्य हमारे शक्ति नहीं है हमारा सब अस्त्र शस्त्र उसने छीन लिया आप कृपा करके उसको समाप्त कर दो तो ये जो उन्होंने कहा ना भगवान को लगा कि ठीक है तुम लोग ने कहा ये बात लेकिन जो मेरे शुद्ध भक्त है वो ऐसे प्रार्थना नहीं करते इस प्रकार से भगवान ने अपना मत यहाँ पर प्रस्तुत किया तो ये हमारा आज का विषय का चर्चा रहेगा तो पहले हम शुरू करेंगे महाभारत से आ, उद्योग पर्व के जो दूसरा स्कंद है अध्याय उद्योग पर्व का जो दूसरा अध्याय है उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन उसमें एक चर्चा है जिसपे हमने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ और इस विषय के संदर्भ में ही है तो कहानी तो हम सब जानते हैं कि ये कहानी है उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने शयासन पर लेटे हैं और दुर्योधन और अर्जुन दोनों आते हैं भगवान के पास मदद मांगने के लिए आप हमारे और से युद्ध कीजिए इसके लिए दोनों आते हैं सही बात है ना ये कहानी जानते हैं हम सब तो कहानी ऐसे कि भगवान बेसिकली थोड़ा सोने का ड्रामा कर रहे हैं सो तो नहीं रहे ऐसे लेटे एक्चुअली लेकिन दुर्योधन पहला आ जाता है कक्ष में और दुर्योधन जो है भगवान के जो न बगल एकदम बगल में आके बैठता है ऐसा बैठता है कि भगवान उसको देख नहीं पाते तकिया के सामने आके बैठ जाता है कुछ देर बाद अर्जुन भी आते हैं उसी कक्ष में और वो भगवान के चरण कमल जिधर है वहां पर आके वो विराजमान होते हैं तो स्वाभाविक है जब भगवान ने अपना आंख खोला तो उन्होंने अर्जुन को ही पहला देखा क्योंकि वही चरण कमल के यहाँ बैठे थे ये व्यक्ति तो उनके तके के साथ के निकट बैठे थे दुर्योधन तो भगवान ने अर्जुन को देखा और कहा अरे अर्जुन आप आए कब आए सब है ना क्या चाहिए आपको तो दुर्योधन का मैं भी आया हूँ और मैं इनसे पहले आया भगवान ने कहा ठीक है ठीक है और रहेगा लेकिन मैंने तो पहले इनको ही देखा तो भगवान ने पूछा ठीक है क्या चाहिए आप लोग को तो दोनों एक ही बात कहते हैं क्या अभी तो युद्ध होने वाला है और हम ये चाहते हैं कि आप आपका आप हमारे साथ रहो इस युद्ध में तो भगवान कहते हैं कि देखो अभी दो आ गए तो मुझे एक ही देना पड़ेगा ना दो मतलब कुछ तो देना पड़ेगा दोनों को तो एक व्यक्ति आप में से सिर्फ मुझे चुन सकता है और मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा मैं सिर्फ रहूंगा बस और दूसरा जो है मेरे पूरी जो नारायणी सेना है लाखों सैनिक है उसमें अस्त्र शस्त्र के साथ उसको ले सकते हैं फिर भगवान कहते हैं कि देखो मैंने पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन छोटा है तो हम देखते हैं ना दो भाई में अगर कोई झगड़ा हो गया घर में तो माता पिता भी यही कहते हैं कि जो छोटा है उसको पहला अवसर दिया जाता है चुनने का तो अर्जुन छोटे थे तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम चुन लो पहले तो अर्जुन ने कहा मुझे तो भगवान आप ही चाहिए बस तो दुर्योधन भी थोड़ा ड्रामा करने लगा होगा अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ मुझे तो कोई चॉइस ही नहीं है मुझे तो नारायणी सेना लेके अंदर तो उसके लड्डू फूट रहे थे लेकिन वो बाहर से कहना नहीं चाहता था कि अच्छा हो गया ये नो ये कोई शास्त्र शास्त्र के बिना ये कृष्ण का क्या कार्य है युद्ध में तो बहुत ही एक्चुअली संतुष्ट हो गया लेकिन बाहर से थोड़ा ड्रामा किया और तुरंत ही चला गया क्योंकि उसका तो काम हो गया ये कहानी तो हम सब जानते हैं इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन तुमने मुझे क्यों चुना मैं तो अस्त्र शस्त्र मेरे हाथ में नहीं है मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूं तुम्हारा मुझे क्यों चुना तुमने सेना लेना था ना कृष्ण ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन कहते हैं ये महाभारत में श्लोक है अर्जुन कहते हैं हे hey भगवान युद्ध में इन सब शत्रुओं को परास्त करने का सामर्थ्य मुझ में है कहते हो मुझ में वो सामर्थ्य है इनको सब परास्त करने का मैं आपके पास इसलिए आया हूं मेरे जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंपने के लिए आया हूं बस ये चाहिए मुझे तो कहते अर्जुन कहते हैं कि इसलिए आप मेरे रथ के सारथी बनिए एक्चुअली ना इसमें बहुत बड़ा एक विषय है जो हम कभी मिस करते हैं दो चीजें है यहाँ पर पहली बात है कि कौन व्यक्ति भगवान के सामने सही में आके खड़ा रह के पूछ सकता है कि भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए कुछ नहीं चाहिए मुझे अर्जुन के उदाहरण से हम देख सकते हैं जो व्यक्ति सामर्थ्यशील है जो अपनी समस्या का हल करना जानता है वो भगवान के पास इसलिए नहीं आता कि उस वो चाहता है कि भगवान उसकी समस्याओं का समाधान करे आप समझ गए ना तो अर्जुन की उदाहरण ऐसी है है इस कथा में वो कहता इनको सब परास्त करने का सामर्थ्य मुझ में है वो तो मैंने किया था रिसेंटली विराट में तो इन सब लोग आए थे उस समय तो मैं तो अकेला ही था सबको परास्त कर दिया तो वो तो मेरे से हो जाएगा आ? लेकिन हमको तो मतलब भक्त को भगवान क्यों चाहिए उसके जीवन में हु? तो एक्चुअली ना जैसे हम उपनिषद का जो उदाहरण है हम जानते हैं ना हमारा जो ये इस शरीर है इसको रथ के समान बताया गया है और बुद्धि जो है वो सारथी है वहां पर उस बुद्धि के स्थान पर वो भगवान को विराजमान करना चाहते थे अपने जीवन में कि दिशा दिखाने के लिए आप समझ गए ना सामर्थ्य और अपनी जो समस्याओं का समाधान के लिए नहीं गए वो भगवान के पास उनके बुद्धि में स्थित रह के उनके जीवन को दिशा दिखाने के लिए वो कहते हैं वो श्लोक में तो ये पहला बात है अगर हमको निष्किंचन भक्ति चाहिए ये हमारा लक्ष्य है तो एटलीस्ट यहां पर अर्जुन के उदाहरण से समझ सकते हैं जो व्यक्ति समर्थ है वो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर सकता है जैसे एक उदाहरण देता हूं जैसे आप समझिए कि दो विद्यार्थी है दोनों कोई परीक्षा के लिए अभ्यास कर रहे हैं और एक विद्यार्थी दोनों भक्त है समझे आप एक विद्यार्थी उसने सब पूरा सेमेस्टर में अच्छी तरह से अभ्यास किया सब कुछ उसका हो गया चार बार रिविजन हो गया कभी कभी ऐसे बच्चे रहते हैं ना एक परीक्षा के पहले क्या करना उनको मालूम नहीं रहता सिर्फ हॉस्टल में घूम के सबको तनाव देते रहते हैं एक्चुअली तुमने ये पढ़ा गया वो पढ़ा गया लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया तो सबको टेंशन आता है उसको दे के बोलते पता नहीं क्यों आया हमारे सामने तो ऐसा एक विद्यार्थी आप समझिए और दूसरा एक विद्यार्थी है जो उसने पूरा सेमेस्टर पर टाइम पास किया कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया नहीं ठीक से अगर आप अगर ये दोनों भगवान के सामने आएंगे भी आएंगे तो जो दूसरा है स्वाभाविक रूप से उसके मन से प्रार्थना ही जाएगी भगवान मुझे किसी भी तरह ये परीक्षा में पास करा दो ऐसा प्रश्न दे दो या परमात्मा हो मेरे मन में सब उत्तर आप सप्लाई करते रहना बस ताकि मैं पास हो जाऊंगा उसके बाद आपके भक्ति अच्छी तरह से करूंगा वो करना ही पड़ेगा उसको आप समझ गए ना मतलब जो ये श्लोक में भगवान देवता लोग को कहते हैं वो स्तर पर उसको आना मुश्किल है क्योंकि स्वाभाविक है ना उसका कुछ तैयारी नहीं है वो सामर्थ्य नहीं है उसमें लेकिन जो पहला व्यक्ति है जिसने सब कुछ किया है अपना कार्य ठीक ठाक वो भगवान के पास आएगा प्रेम से आएगा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आएगा जैसे अर्जुन आए थे इसके लिए आएगा वो आप समझ गए ना तो ये पहला चीज है अभी मैं ये नहीं ऑब्वियसली मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो व्यक्ति सामर्थ्यशील है वो ऑटोमेटिकली भगवान का निष्किंचन भक्त होगा नहीं वैसी बात नहीं है तो हम गणित में कहते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन मतलब अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है वो आप समझ गए ना मतलब सिर्फ कोई व्यक्ति सामर्थ्य होने से अर्जुन तो सामर्थ्य थे लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति उसके पास सामर्थ्य रहेगा तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो निष्किंचन भक्त बन जाएगा क्यों दो तीन चीजें हैं पहली बात यह है कि कोई भी सामर्थ्य कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो इस भौतिक जगत में समस्या तो आपके जीवन में आने ही वाली है सही बात है ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सामर्थ्य रहोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी और आप कठिन परिस्थिति में नहीं रहेंगे ऐसा नहीं होगा वो तो आएगी वो पहली बात है और दूसरी बात भगवान के प्रति एक आकर्षण भी चाहिए इसीलिए ये सिर्फ एक पहला कंडीशन हुआ ये पर्याप्त नहीं है तो इसीलिए हम अभी हमारे दूसरे मुद्दे पे जाते हैं ये हमारा पहला मुद्दा था निष्किंचन भक्ति के लिए फिर दूसरा मुद्दे पे हम जाएंगे आज बेसिकली मैं सिर्फ तीन मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ तो दूसरा मुद्दा ये है कि ये ये गीता में देखते हैं हम गीता में अगर आप देखोगे तो भगवान अर्जुन को अंत में कहाँ पर लेके आते हैं निष्किंचन भक्ति पर लेके आते हैं ना गीता में बहुत ही तो स्पष्ट रूप से बताया गया है सर्व हम तो हम ये जो श्लोक है और गीता का भक्ति की और भगवान अपने भक्त को आकर्षित करते हैं लेकिन ये निष्किंचन भक्ति कैसे पहुंच सकता है व्यक्ति अगर आप देखोगे इसीलिए जो गीता का जो पहला भाग है ना निष्काम कर्मयोग निष्काम कर्म योग और निष्किंचन भक्ति में संबंध है आप समझ गए ना कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं निष्काम कर्म को छोड़ दूंगा और डायरेक्ट डबल प्रमोशन लेके निष्किंचन भक्ति तक पहुंचूंगा ये ये संभव नहीं है क्योंकि निष्काम कर्म योग मतलब आप इस जीवन में आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करते हो ये निष्काम कर्म योग बताता है आगे आप देखोगे देवताओं का प्रसंग भी अगर आप देखोगे ना तो दोनों जो पहला मुद्दा मैंने बताया और अभी का दूसरा मुद्दा दोनों में एक्चुअली मार खा गए बात उनका सामर्थ्य सब चला 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 गया 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 क्यों उनकी गलती के कारण ही उन्होंने बृहस्पति का अपराध किया फिर बाद में वो जो रूप है उसको मार दिया ऐसे काफी सारे गलती करते हैं लोग एक के बाद एक उसके कारण उनका सामर्थ्य भी सामर्थ्य भी चला गया और बहुत आसक्ति भी थे अपने पदवी के ऊपर कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे अब समझ गए ना तो बेसिकली इसके लिए उनके मन में बहता रहे बापरे वृतरासुर आ गया हमारा कुर्सी चला जाएगा ये वो तो वो निष्काम भावना भी थोड़ा कमी था इसीलिए ये परिस्थिति आ गई कि उनको भगवान से पूछना पड़ा आप कर दो और भगवान को अच्छा नहीं लगा जैसे हम देखते हैं श्लोक में वो कहते हैं कि क्या तुम ऐसे प्रार्थना कर रहे हो मुझसे <laughs> तो इसीलिए ना भगवान कृष्ण गीता में फाउंडेशन मतलब जो आधार स्तंभ है गीता का वो निष्काम कर्म है क्यों वो है क्योंकि जीवन में जो है ना ये जीवन है और ये निष्काम कर्म ना मैं यह भी कहूंगा ये सिर्फ निष्किंचन भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निष्काम निष्काम कर्म कर्म करना वैसी बात नहीं है कर्म जो है एक्चुअली ये ये जो सबसे ज्यादा व्यवहारिक है प्रैक्टिकल है क्योंकि ये जीवन ही ऐसा बनाया गया है आप कुछ भी अगर चाहते हो ना इस जीवन में उसका विपरीत परिस्थिति को स्वीकार करने का साहस आप में होना चाहिए आप समझ गए ना जगन्नाथ बलेशन भवन की जय श्री गौनता की जय हाँ तो अगर हम इस हम जीवन में कुछ भी चाहते हो कुछ भी चाहते हैं तो उसकी पूरी विपरीत परिस्थिति वो हमारे जीवन में आने की पूर्ण संभव संभावना है और उसको स्वीकार करने का अगर साहस है हमें तभी हम प्रयत्न कर सकते उदाहरण एक दो देते हैं जैसे इसलिए ना गीता में अगर आप देखोगे भगवान क्या कहां से शुरू करते हैं गीता आरंभ करते हैं आत्म, आत्म तत्व के बारे में आत्म तत्व के बारे में भी श्लोक कहते हैं दो ग्यारह से दो तीस तक उसके बाद दो इकतीस से क्या कहते हैं भगवान भगवान कहते हैं अरे देखो क्षत्रिय मतलब कौन है क्षत्रिय जो वीर मृत्यु भी प्राप्त किया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है वो स्वर्ग चला जाता है और वहां रहता है नहीं तो यहाँ पर राज्य का भोग करता है सही बात है ना तो इससे हम क्या समझ सकते दो चीज समझ सकते पहली बात है कि गीता का जो तत्व ज्ञान है ना वो कार्य करने के लिए है आप समझ गए ना मतलब गीता का जो तत्व है ये अर्जुन को प्रोत्साहन देने के लिए कि ताकि तुम कार्य करो इस जीवन में आप समझ गए ना वो उसको सिर्फ तत्व ज्ञानी बनाने के लिए नहीं है गीता भगवत गीता आप समझ गए ना इसलिए गीता पहला भगवान तत्व कहते हैं उसके बाद तुरंत कार्य पे आ जाते हैं एनीवे वे लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कोई क्षत्रिय है जो वीर योद्धा बनना चाहता है तो वीर मृत्यु प्राप्त करने की भी संभावना होती है बराबर है ना वही व्यक्ति वीर योद्धा बन सकता है जिसमें यह सहन शक्ति है कि मुझे और ये ज्ञान है कि मुझे वीर मृत्यु भी हो सकती है और मैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं तभी व्यक्ति वो बन सकता है आप समझ गए ना जीवन ही ऐसा बना है जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं एक वैश्य है कौन वैश्य बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है और धन प्राप्त कर सकता है वही व्यक्ति कर सकता है जो धन खोने का भी आ, साहस उठाता है अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति है जिसको कहता है कि मैं धन मेरा खो ही नहीं सकता उसको तो फिर फिक्स डिपॉजिट में बैंक में 7% जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कुछ रहना पड़ेगा बराबर है ना क्योंकि अगर उसमें यह कैपेबिलिटी नहीं है यह ये नहीं है कि ये सहन शक्ति नहीं है कि थोड़ा मेरा पैसा जा भी सकता है तो पैसा कमा नहीं सकता ये जीवन ही ऐसा बना है एक्चुअली ये जीवन का नेचर है दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड तो इसीलिए ना भगवान निष्काम कर्म योग से शुरू करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीज रहता है और जो व्यक्ति इस इस प्रकार से कार्य कर सकता है उसको निष्किंचन भक्ति पर आना स्वाभाविक है आप समझ गए ना क्योंकि निष्किंचन भक्ति में हम क्या कहते हैं न धनम न न जनम ना सुंदरी सही बात है ना? है ना ना वही निष्किंचन भक्ति जैसे पर भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा ऐसा मांगना अच्छा नहीं है उतना तो ये कौन कर सकता है अगर हम हमारे जैनिक जीवन में बहुत ज्यादा हमको आसक्ति है कि नहीं मुझे इसी प्रकार का फल चाहिए ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए तो फिर स्वाभाविक ही हो जाएगा कि भगवान के सामने आके भी हम वैसे ही करेंगे हम बोलेंगे मुंह से न धनम न जनम ये सब हम क्योंकि सब भक्त प्रार्थना कर रहे हैं एक साथ तो हम भी उसमें जुड़ जाएंगे और कह लेंगे लेकिन हमारे हृदय से वो प्रार्थना कभी नहीं आएगी क्योंकि हमारा अनुभव वो नहीं है हमारा अनुभव हमारे जीवन शैली से आता है अब समझ गया ना तो एक है कि हम किस में विश्वास करते हैं मतलब ये प्रवचन सब सुन के ना हमारा एक विश्वास रहता है हम विश्वास बिलीव इन न धनम न जनम न सुन हम उसमें विश्वास करते हैं लेकिन हमारा अनुभव क्या है जीवन का हमारे okay, दैनिक जीवन में भी अगर हमको वैसा ही अनुभव है कि ठीक है मैं कार्य करूंगा आया फल आया आया नहीं आया तो भी चलता रहेगा जीवन तभी व्यक्ति यहां पर भी निष्किंचन भक्ति कर सकते हैं। आप समझ गए ना इसलिए मैं कह रहा हूं इसीलिए भगवान गीता में निष्किंचन भक्ति के पहले निष्काम कर्मयोग बताया क्योंकि इन दोनों में संबंध है और एक व्यक्ति यहीं से वहां जाता है इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अभी पांडवों के उदाहरण हम लेके देखेंगे उनके जीवन में इतनी समस्या आई तो इसका मतलब यह है क्या कि समस्या के समय हम भगवान से मदद न मांगे ऐसे कहते हैं क्या हम नहीं वैसी बात नहीं है देखो दो चीज होती है एक है कि कोई भी समस्या भक्त के जीवन में आए स्वाभाविकता से हम भगवान का नाम लेंगे उसमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है जैसे उदाहरण से अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सामने एक ट्रक आ गया एकदम फुल स्पीड से आपको पता चल गया कि शायद एक्सीडेंट हो सकता है सडनली आपने ब्रेक दबाया तो भक्त हो तो स्वाभाविक रूप से कृष्णा आएगा आपके जीवा में सही बात है ना मतलब हम भगवान का नाम पुकारेंगे उस समय पर तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई भी समस्या है जीवन में भक्त जो है भगवान का नाम ही पुकारेंगे कृष्णा गोविंदा हम पुकारेंगे जोर से पुकारेंगे ये ये तो स्वाभाविक है लेकिन ये सोच के पुकारना कि आपको मेरी समस्याओं का समाधान करना चाहिए इस इसमें आपत्ति है थोड़ी आप समझ गए ना अब इसमें भी ना अगर कोई बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति है उसमें कोई व्यक्ति ऐसा पूछता है तो भी भगवान को उतनी आपत्ति नहीं होती जैसे उदाहरण में देता हूं जैसे अगर आप पांडवों के जीवन में देखोगे ना इतनी समस्या आई इतनी समस्या है और काफी सारे समस्याओं में हम देखते हैं कि वो लोग भगवान को पूछते भी नहीं है जैसे उदाहरण अभिमन्यु की मृत्यु हुई और अगले दिन जयद्रथ की मृत्यु का प्रण लिया था ना अर्जुन ने लेकिन सूर्यास्त का समय आ गया था और तब भी जयद्रथ काफी दूर थे लेकिन अर्जुन और पांडव जो वहां पर थे भगवान कृष्ण तो सामने विराजमान थे लेकिन उन्होंने कभी उनसे पूछा नहीं कि भगवान कुछ कर लो ना प्लीज मेरा प्रण है मुझे अभी अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा पूछा नहीं आ भगवान ने खुद होके किया वो एक अलग बात है लेकिन उन्होंने पूछा नहीं वैसे पांडवों के जीवन में देखोगे तो काफी सारे समस्या बहुत सारे समस्या है उनके जीवन में जैसे वो दूत सभा में भी जब पांडव एक एक करके हार रहे थे तब भी अगर आप पढ़ोगे ना उस श्लोकों में कहीं भी नहीं आता है कि पांडव भगवान को बोला रहे कि अगला मैच हमको जीतने दो करके नहीं वो कुछ नहीं पूछते हो एक दो जगह आती है जब द्रौपदी के वस्त्राहरण है अभी ये देखो ये बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति है ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है एक्चुअली और जैसे हम देखते हैं कि जब उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे उसके ऊपर जब अश्वत्थामा ने प्रहार किया उस समय भी उत्तरा गये भगवान कृष्ण के पास पाही पाही महायोगी देव देव जगतपय परस्परम कहते हुए क्योंकि वो बहुत ही आपातकालीन इमरजेंसी परिस्थिति थी उस समय पूछना ठीक है भगवान तब भी ये नहीं मानेंगे क्योंकि भगवान भी जानते हैं ये बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति है तो हमको भी ना हमारे जीवन में पता होना चाहिए कि कब हम भगवान से कुछ पूछें मतलब मेरे हिसाब से मतलब ये श्लोक है इसलिए मैं कह रहा हूं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी भक्तों के जीवन में हुआ तो हम सब भक्त को बोलते रहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो प्रार्थना करो करके तो हर एक स्थिति आपान, का आपातकालीन स्थिति नहीं हो सकता ना तो हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ठीक है अगर कोई अठारह बीस साल का नौजवान व्यक्ति है और उसका एक्सीडेंट हो गया और ऐसा कुछ हुआ कि अकाल मृत्यु यू नो नजदीक है तो ये स्वाभाविक है क्योंकि इस प्रकार का जो उम्र में व्यक्ति को होना नहीं चाहिए भक्त को तो प्रार्थना करना थोड़ा स्वाभाविक हो जाता है लेकिन अगर हम सत्तर अस्सी साल के हो गए और तब भी हम भगवान से यही मांग रहे कि मेरे शरीर को रक्षा करो रक्षा करो तो फिर भगवान भी सोचेंगे भाई ये क्या है ऐसा क्यों इतना क्यों ये लोग पीछे पड़े शरीर को बचाने के लिए हाँ इधम शरीरम परिणाम पेशलम शतंतम छि जर्जरम कि मतलब ये शरीर तो टूटना ही है तो एक कभी कभी ना कुछ चीज थोड़ा अति हो जाता है तो ये श्लोक और आज का जो ये संदर्भ है ना जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमको ये समझना चाहिए कब हम सच्चे भगवान से जाके कुछ प्रार्थना कर सकते हैं हमारे समस्याओं के लिए भी आप समझ गए ना तो ये दूसरा मुद्दा था मेरा ठीक है ना तो पहला मुद्दा क्या था सामर्थ्य होना चाहिए व्यक्ति में जैसे अर्जुन के थे दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे जो दैनिक जीवन में एक निष्काम कर्म होना चाहिए हमारे जीवन में तभी हम हाँ निष्किंचन भक्ति ठीक ठाक कर सकते हो वो वहाँ नहीं है तो यहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा तो ये दूसरा मुद्दा था अभी इतना कहने पर भी कोई कह सकता है कि ठीक है अगर कोई सामर्थ्यशाली है या अगर कोई आ, जो ना निष्काम कर्म करता है तब भी ये आ, मतलब गारंटी है क्या कि वो निष्किंचन भक्ति तक आएगा नहीं ऐसी बात नहीं है ना तो इसलिए एक तीसरा चीज के बारे में भी हमको बात करना पड़ेगा वो ये है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए और ये हम भगवान के प्रति हमको जाना चाहिए प्रार्थना करने के लिए भक्ति करने के इसलिए आप देखोगे ना आकर्षण कैसे हो सकते हैं हमको भगवान के प्रति उनके बारे में श्रवण करने से इसलिए हम देखेंगे जो पहले छे अध्याय गीता का वो सब निष्काम कर्म योग सब भगवान ने बात किया सातवें अध्याय से भगवान ने क्या टॉपिक शुरू किया श्रृणु नहीं चैप्टर फर्स्ट वर्स ना? तो भगवान क्या मैं यहां सकता मना पारते योगाश्रेय असम से समग्रमा से श्रीणु क्योंकि वहां से शुरू होता है श्रवण करने से ही आपका आकर्षण भगवान के प्रति शुरू होता है सही बात है ना हाँ, तो वो कर वो तो करना ही पड़ेगा मतलब तो आप समझिए ये बात कोई ये नहीं सोच सकता है कि जो पहला दो स्टेप मैंने कहा इसको आप छोड़ सकते हो नहीं क्योंकि वो तो पहला छ अध्याय में आ गया ऑलरेडी सामर्थ्य भी होना चाहिए निष्काम भाव भी होना चाहिए अगर वो है तो आप यहां पर एंट्री मार सकते हो नहीं तो फिर यहां भी मुश्किल हो जाएगा आपको ठीक है ना तो अभी हम क्या करेंगे ना जो तीसरा मुद्दा आज मैं प्रस्तुत करूंगा ये गीता के आठवें अध्याय पर आधारित है और ये इस बात पर आधारित है क्योंकि इस जो तात्पर्य और ये जो श्लोक में भगवान क्या कहते हैं आप सुनिए भगवान कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न करने से कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं यहां पर हा? तो ये सवाल ये है कि यह है हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है भगवान का स्मरण करने से तो इसके लिए ना हम थोड़ा आठवें अध्याय में जाएंगे आठवा अध्याय ना हम जनरली आठवा अध्याय ऐसे समझते हैं अटेनिंग द सुप्रीम कहते हैं ना हम इंग्लिश में उसका अनुवाद और भगवत प्राप्ति हिंदी में उसका भगवत प्राप्ति है तो ये आठवां अध्याय में ना इतने सारे श्लोक है तो क्यों क्या क्या बताया भगवान ने यहाँ पर तो मैं ये क्या करूँगा ना श्रीपद यमुनाचार्य का एक श्लोक है गीतार्थ संग्रह में जिसमें उन्होंने आठवें अध्याय का पूरा सारांश एक श्लोक में बताया एक्चुअली ये जो ग्रंथ है बहुत ही सुंदर है इन्होंने क्या किया है कि हर अध्याय का एक सारांश एक श्लोक में डाल दिया समरी एकदम प्रिसाइस रहता है वो और उसके ऊपर एक्चुअली रामानुचार्य ने टीका किया और जब मैं प्रभुपाद जी का ये अध्याय का टीका पढ़ रहा था रिसेंटली और कंपेयर कर रहा था तो मुझे समझा कि काफी सारे पॉइंट जो यमुनाचार्य और रामानुचार्य कहते हैं वो प्रहुपाद जी कहते हैं एक्चुअली इसमें तो इसमें जाएंगे हम तो इसका एक मकसद है इसका इस श्लोक के साथ जो हम भागवत का श्लोक है इसके साथ एक कनेक्शन है संबंध है जो हम देखेंगे ठीक है ना तो पहली बात हम आठवें अध्याय का एक सारांश श्लोक देखेंगे जो यमुनाचार्य कहते हैं गीतार्थ संग्रह में ऐश्वर्य ऐश्वर्याक्षार यातात्म्य भगवत चरणार्थी नाम वेद्योपादेय भाबा नाम अष्टमे वेदम तो ये यमुनाचार्य का श्लोक है वो क्या कहते हैं कि इसमें कि आठवें अध्याय में भगवान कृष्ण तीन प्रकार के भक्तों के बारे में वर्णन करते हैं कौन है वो तीन भक्त जो ऐश्वर्य चाहते हैं भगवान से जो अक्षर यातात्म मतलब जो आ, मुक्ति चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं और तीसरा भगवत चरणार्थी नाम जो भगवान के चरण कमल प्राप्त करना चाहते हैं जो वैकुंठ जाना चाहते हैं गोलोक जाना चाहते हैं जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं तो यमुनाचार्य कहते हैं कि तीन प्रकार के भक्त है। तो ये भागवत में भी हम देखते हैं अकाम सर्व कामोवा मोक्ष काम उदाहरती अका मतलब जो निष्किन भक्त कामोवा मतलब ज्योति जो जो में लीन होना चाहते हैं और सर्व कामो मतलब सब प्रकार के ऐश्वर्य की कामना करते हो वो आप समझ गए ना तो ये वैसा भी आप देख सकते हो तो इस तरह से तीन प्रकार के प्रकार। अभी हम जानते हैं कि तीन प्रकार के भक्त में भगवान इसमें क्लियरली निष्किंचन भक्त को ऊंचा स्थान देते हैं और आप आठवें अध्याय में देखोगे भी अभी हम क्या देखेंगे कि, कि किस प्रकार से ये लोग ऐसा स्थान प्राप्त करते हैं जो साधारणता कोई प्राप्ति नहीं कर सकता ठीक है ना तो ये कहां से आता है एक्चुअली तो ये यमुनाचार्य कहते हैं कि जो सातवें अध्याय में जो एक सोलावा श्लोक था ना चतुर्विदा वजंतेम जनासुको जन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी वहां चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था ना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी तो उसमें क्या है ना ये आर्तो और अर्थार्थी को ना एक ग्रुप बनाया जो ऐश्वर्य की कामना करते जैसे ये देवता लोग हैं यहां पर उनको बहुत सारी चीज चाहिए जीवन में उनके शत्रुओं का दम ये होना चाहिए नाश होना चाहिए उनको उनका कुर्सी चाहिए ये सब चीज़ें ठीक है ना तो ये आर्तो अर्थार्थी का एक ग्रुप बना सकते हो आप ऐश्वर्य की कामना करने वाले जिज्ञासु जो है वो ब्रह्म ज्योति वो बेसिकली इम्पर्सनल मुक्ति पाना चाहते हैं और जो ज्ञानी उसमें बताया ना एक्चुअली वो ज्ञानी भक्त है मतलब वो हम शब्द में नहीं जा सकते क्योंकि अगला श्लोक में भी हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि बहुनाम बहु नाम जन्म नाम वासुदेव सर्वमती मतलब वो एक्चुअली भक्त की ही एक मतलब जो ज्ञान से भक्ति में आता है आप समझ गए ना मतलब जो सुन सुन के सब ज्ञान प्राप्त करके भक्त होता है क्योंकि भक्त में भी अलग अलग श्रेणी है ना कोई है भक्त हमेशा पिछले जन्म से भक्त है या भाई मतलब आध्यात्मिक जगत से नीचे आए हैं यहाँ पर लीला करने के लिए ऐसे अलग अलग स्तर के भक्त ये भक्ति जो गीता का है वो सब सुन सुन के मतलब श्रवण करके भगवान की महिमा का श्रवण कर करके आया है भक्ति पे तो वो भक्त है एक्चुअली तो ये तीन श्रेणी है ऐश्वर्य जो कामी है जो आ, मुक्ति पाना चाहता है और जो भगवान की तरफ भगवान को प्राप्त करना चाहता है अभी आठवें अध्याय में क्या किया ना भगवान ने भगवान ने इन तीनों के बारे में विस्तार रूप से बताया है कैसे बताया है क्योंकि देखो आठवें अध्याय का जो पांचवा श्लोक है ना वहां तो भगवान ने कहा कि अंतकाले च में व स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति समत्म या संशय मतलब जो अंतकाल में मेरा चिंतन करेगा वो मेरा भाव को प्राप्त होगा इस प्रकार से कहा है ना उनको तो ये भाव जो है कैसे भी आप देख सकते हो आप आध्यात्मिक जगत देख सकते हो जो मुक्ति देख सकते हो उसको ऐसे देख सकते हो आप समझ गए ना तो ये क्यों ऐसा तो प्रश्न पहला आता है कि अरे भगवान ने क्यों ये लोग को भी अपने पास बुलाया मतलब इनको भी क्यों ऐसी सुविधा दी कि आप अंतकाल में मेरा स्मरण करो आप और को कुछ तो मिलेगा तो यहाँ पर आचार्य क्या कहते हैं कि देखो भगवान की ये महिमा है भगवान एक्चुअली चाहते हैं कि सब लोग उनके धाम ही आए लेकिन भगवान जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो ऐश्वर्य चाहते हैं जो मुक्ति चाहते हैं तो भगवान का एक ट्रिक है बेसिकली कि छल है उनका कि ये सब लोगों को आप भक्ति में उनको कहो कि देखो तुमको ये चाहिए ना तुम भक्ति करो और तुमको ये मिल जाएगा और वो भक्ति शुरू करेंगे ये कामना से कि मुझे या तो ऐश्वर्य मिलेगा या तो मुझे मुक्ति मिलेगी और कभी भी भक्ति करते करते उनकी मन बदल सकती है और उनकी चेतना ऊपर आ सकती है और वो उनके स्तर से निष्किंचन बन सकते हैं आप समझ गए ना ये बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक चीज है जो भगवान ने किया आप समझ गए ना तो अभी ना आप देखोगे कि गीता में कौन से श्लोक में सब बताया तो थोड़ा हम गीता के श्लोक में जाएंगे और वापस इस चर्चा में आएंगे तो देखो पहली बात है कि भगवान ने तो कह दिया अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेंगे वो मेरे पास आएंगे ठीक है ना तो यहां पर ना रामानुजाचार्य ने बहुत एक वराह पुराण से भगवान का एक श्लोक कोट किया है मैं वापस कोट करता हूँ ये पौराणिक वराह पुराण का एक श्लोक है जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं सुनिए क्या कहते हो इससे आपको पता चलेगा कि भक्त जो है ना कितना प्रिय है भगवान को तो भगवान कहते हैं कि वराह पुराण में स्थिति मनसि से सुस्वस्थ है यो सतियोनर दाते समय स्थिति स्मृत विश्व रूपम च मामजप ततस्थ म्रियमाणस्तु काषाण सन्निपम अहम स्मरा बदभक्तम नयामी परमा भगवान कहते हैं इस श्लोक में वराह पुराण में मन से सुस्वस्थ है सुस्वस्थ मतलब आपका जब शरीर और मन सुस्वस्थ है सुस्वस्थ मतलब सब समझ सकते हैं ना सब ठीक ठाक है अभी हम सब ठीक ठाक है ना बैठे हैं यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है सब एकदम अच्छी तरह से बैठे हैं प्रसाद मिलने वाला है अभी सवा नौ बजे क्लास के बाद सब ठीक ठाक ही चल रहे हमारा सुस्वस्थ इस समय पर जब हम अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे ना तो भगवान क्या बोलते हैं कि तदस्तम प्रियमणस्तु बाद में काष्ट पाषाण सन्निभम मृत्यु के समय अगर आपका शरीर काष्ट पाषाण जैसा हो गया मतलब स्टोन जैसा हो गया मतलब ऐसा कोमा में रहते हैं ना व्यक्ति कभी कभी मृत्यु के पहले तो पाषाण जैसा हो जाता है ना व्यक्ति तो वो कैसे चिंतन कर सकता है तो भगवान क्या बोलते हैं देखो लास्ट के दोष लाइन बहुत ही मुख्य अहम स्मरा में बदभक्तम वो बोलते मैं उसको चिंता चिंतन करने का जरूरत नहीं है मेरे बारे में मैं सोचूंगा उनके बारे में नया में पर उसको मैं लेके आऊंगा तो ये श्लोक वो कोट करते हैं एट पॉइंट फाइव हालांकि भगवान ने तो कहा कि अंतकाल में आप भगवान का स्मरण करोगे तो आप वहां जाओगे लेकिन अगर आपने जीवन भर स्मरण किया तो भगवान ने ये कंडीशन भी डाल दिया ठीक है कोई बात नहीं अगर आप अंत में पाषाण जैसे हो गए पाषाण काष्टा और पाषाण मतलब एक ही है समझ गए ना पत्थर पत्थर के समान कभी हो जाते हैं ना हमारा शरीर हम तभी कुछ भगवान के बारे में तो क्या कुछ भी कुछ भी चिंता नहीं कर सकते तो भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं आपने जीवन भर में मेरा स्मरण किया जब सुस्वस्थ थे जब अच्छा था आपका स्वास्थ्य तब आपने किया भक्ति तो अभी मेरा कार्य होगा कि मैं आपके बारे में चिंता करूंगा और आपके लिए कहूंगा एनी anyway, तो ये तो बता दिया भक्त के लिए तो तो अभी वापस यही प्रश्न होता है कि क्योंकि देखो ना ये भागवत के श्लोक में हमने क्या पढ़ा भगवान क्या कहते हैं कि ये सत्य है कि मुझे प्रसन्न करने से कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है तो इसमें ना ये यमुनाचार्य और और सनातन गोस्वामी इसके बारे में कहते हैं कि भगवान क्योंकि अभी देखो कोई व्यक्ति कह सकता है ठीक है इतना तो हम मानते हैं कि भगवान का अकिंचन भक्ति करने से हम हम गोलोक या आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं लेकिन ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए और भी तरीके हैं ना ऐसा थोड़ी है कि हमको भगवान के पास जाके हमको ऐश्वर्य प्राप्त होगा अब समझ गए ना बात ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कोई देव देवता का पूजा कर सकता है कुछ और कर सकता है यज्ञ कर सकता है स्वर्ग जा सकता है काफी सारे हैं तो इसका क्या मतलब स्पेशलिटी है तो कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है एक पर्टिकुलर टाइप का ऐश्वर्य है इस भौतिक जगत में जो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता हाँ तो इसके लिए ना आपको बृहदभागवतामृत पढ़ना पड़ेगा बृहदभागवता अमृत में जब गोप कुमार जो है ना अलग अलग लोक में जाते हैं ब्रह्मलोक में जाते हैं उसके बाद ये जो आध्यात्मिक ये जो आ, जो ब्रह्मांड है ना उसके अलग अलग जो आवरण है उसमें प्रवेश करते हैं ऐसा कथा आती है उसमें और वहां जब जाते हैं ना मतलब पहला आवरण 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 है पृथ्वी का का दूसरा जल का, तीसरा अग्नि इस प्रकार से सात आवरण है इस ब्रह्मांड के तो कभी कभी ना लोग ये पढ़ते हैं तो उनको लगता है पृथ्वी का आवरण है मतलब ऐसा मड ब्लॉक का एक कवरिंग है ऐसी बात नहीं है वहां पर पृथ्वी का आवरण मतलब सनातन गोसम विवरण करते हैं श्लोकों में कि उसमें इस प्रकार की ऐश्वर्य है जो ब्रह्मा भी नहीं सोच सकते अब समझ गए ना ब्रह्मा ब्रह्म लोक में भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं है वैसा ऐश्वर्य उस आवरण में है और वहां कौन है तो ये रामानुजाचार्य और ये लोग सब कहते हैं कि ये भक्त है जो ऐश्वर्य काम ही भगवान के पास गए क्योंकि भगवान बोलते आप मेरे पास है ऐश्वर्य के लिए मैं थोड़ी आपको ऐसे इंद्र ब्रह्मा का पदवी दूंगा मैं तो आपको ऐसा ऐश्वर्य दूंगा जो उनके पास भी नहीं है चलो ले लो ये अब समझ गए ना अब समझ गए कि नहीं बात हा? तो इसीलिए भगवान ये श्लोक में कह रहे हैं कि यह यद्यपि सत्य है कि मुझे प्रसन्न करने से कुछ भी प्राप्त करना कठिन है सच्ची में कुछ भी प्राप्त करना कठिन मतलब आप ऐसा भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो जो क्योंकि देखो अगर आप इंद्र पदवी चाहते हो और भगवान वो देने वाला है तो व्यक्ति बोलेगा अरे इंद्र भी दे रहा था आप, आपने क्या स्पेशल दिया फिर बराबर है ना मतलब आप आपके पास आके मुझे क्या मिला मतलब स्पेशल वो तो मैं यज्ञ करके मैं इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता हूँ तो नहीं ऐसी बात नहीं उनको इसलिए हम देखते हैं ना ध्रुव महाराज भी उनको क्या चाहिए था उनको चाहिए था उनको उनको ऐसा राज्य चाहिए जो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है है भगवान ने दे दिया उनको। समझ गया ना ये ऐश्वर्य तो भगवान ऐसा ऐश्वर्य देंगे हो। देने को तैयार है बैठे देने के लिए अगर कोई उनके पास आए तो कठिन है लेकिन ये भगवान का आशा नहीं है भगवान कहते हैं यहां पर मुझे निश्किन बचते लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है आप समझ गए ना क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये भौतिक जगत में सबको ऐश्वर्य और मुक्ति ये सब बहुत इसके ऊपर आसक्ति रहती है लोगों की तो चलो कोई बात नहीं मेरा भक्ति कर लो आ जाओ और कभी भी आपका मन थोड़ा बदल जाएगा तो प्रमोशन लेके आगे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यहाँ पर भी ना तो तो फिर तो अभी ये प्रश्न आता है कि कैसे व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच सकता है ठीक है ना तो अंत काले चमा के बाद इसीलिए ना भगवान ने इतने सारे श्लोक बोले अभी मैं थोड़ा गीता में जाऊंगा वापस तो अगर आप देखोगे ना आठवें श्लोक से भगवान क्या कहते हैं आपका चेतना क्या चाहे होना चाहिए मृत्यु के समय उसके बारे में बात करते हैं ना उसके बारे में सात श्लोक भगवान बोलते हैं एक्चुअली आठवें अध्याय के आठवां श्लोक से लेके चौदहवा श्लोक तक अभी उसमें सभी श्लोक जो है ना ये निष्किंचन भक्त के लिए नहीं है वो ऐश्वर्य कामी के लिए है मुक्ति कामी के लिए है और निष्किंचन भक्ति के लिए और प्रौपाद भी यह चीज लिखते हैं परपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ तो पहली बात देखो आप श्लोक से अगर आप देखोगे ना नौवे श्लोक से भगवान क्या कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम रूपम आदित्य वर्णम अगर आप ये श्लोक में जाओगे ना ये शब्दार्थ में जाओगे इसमें भगवान कह रहे इसमें कि जो योगी है उसको मेरा ध्यान ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया इसके बारे में चिंता करना चाहिए अब ये कौन है ये ये जिस योगी की इस श्लोक में बात कर रहे हैं ना जो अभी मैंने पढ़ा ये वो शुद्ध भक्त नहीं है उसके बारे में बाद में आएगा चौदहवे श्लोक में आएगा उसके बारे में यहां पर भगवान उसके बारे में बात कर करे जो ऐश्वर्य का भी आप समझ गए ना तो भगवान के अलग अलग ऐश्वर्यों के बारे में वो चिंता करते करते भक्ति करते वो ऐसा भी एक पद्धति है आप समझ गए ना तो है यहां पर प्रयाण काले मनसा चले योग ना ना इस प्रकार से उसको योग करके सब 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 कुछ उसका यहां तक लेके ये ये हम हम लोग नहीं करते ना, हम सब नाम ले रहे हम जाएगा बोलते फिर बाद में तीन श्लोक में भगवान उनके बारे में बोलते जो मुक्ति कामी के बारे में यदक्षरो वेद विदोदी विशंति यदराग यद ब्रह्मचरियम चरंती तत्ते अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा अनुस्मरण ये जो सब श्लोक है ना तीन चार श्लोक अभी किसके बारे में बोल रहे हैं अभी उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो मुक्ति चाहते हैं और वो भी भगवान का ही भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये सोच के कि मुझे वो चाहिए भगवान बोलते चलो ले लो आप लेकिन जो भगवान की जो असली चीज है ना जो प्रदान करने के लिए वो है चौदहवे श्लोक में भगवान बताते हैं अनन्य सततम इसमें क्यों अनन्य चेता बताया क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो पूरा पिछले वाले श्लोक में थे ना वो बाकी लोगों के बारे में ना ऐश्वर्य कामी और मुक्ति कामी के बारे में वो लोग अनन्य चेता अनन्य अनन्य भावना से भगवान का चिंतन नहीं कर रहे अब समझ गए ना क्योंकि जो, जो मुक्ति चाहता है वो मुक्ति के स, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करते मुक्ति मिल गया तो भूल जाते हैं भगवान मतलब वो फिर अपने बारे में सोचते हैं ना और जो ऐश्वर्य का तो लेकिन जो भक्त है जो भगवान का चरण कमल पाना चाहता है वो व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं भूलेगा ना अनन्य चेत सततम यो स्मृति नित्य से हमेशा हमेशा तस् हम सुलभ पार्थ नित्य अभी ये तात्पर्य में देखिए ना प्रपत क्या लिखते हैं पढ़ता हूं पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं प्रभुपत कहते है तात्पर्य में दिस वर्ष एट और फिर कहते हैं कि पिछले श्लोकों में मतलब मतलब पिछले पिछले श्लोक मतलब क्या इसके पिछले के बात हा? तो इस तरह से ये जो पॉइंट है ना ये ये, ये जो मैंने श्लोक बताया यमुनाचार्य और रामानुचार्य तात्पर्य उधर से ही एक्चुअली मतलब जब मैं थोड़ा उसका अभ्यास कर रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि क्योंकि पिछला प्रभुपात जब उनके तात्पर्य लिखते थे सब आचार्यों का टीका टिप्पणी टिक देखे उन्होंने ये सब अलग अलग मुद्दे प्रस्तुत किए ना तो आप समझ गए ना तभी ये मैंने क्यों बताया ये पॉइंट ये इसलिए बताया दो चीज के लिए बताया पहली बात जो भगवान का भक्ति करता है ना उसको कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मा ने भी नहीं देखा ऐसा मुक्ति प्राप्त कर सकता है जो सबकी कामना है और भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान की असली इच्छा क्या है मतलब अगर आप भगवान को पूछोगे वॉट इज योर ओपिनियन ओ लॉर्ड आपका मत क्या है तो उन्होंने भागवत के श्लोक में कहा और गीता में भी वही कहा कि ठीक है अगर आप मेरे बारे में सोचोगे और भक्ति के भावना में, में मेरी सेवा करना चाहोगे मेरे साथ आप रिश्ता रखना चाहोगे तो आप मैं आपको अपने दाम लेके चला जाऊंगा आप समझ गए ना इस तरह से ना पूरा आठवा अध्याय यमुनाचार्य कहते हैं इसी चीज पर है आप समझ गए ना जैसे अगर आप इसलिए ना आठवें अध्याय में तुरंत इसके बाद भगवान क्या कहते हैं आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तन क्यों कहते हैं ये सब क्योंकि ये जो ऐश्वर्य प्राप्त करता है ना वो ब्रह्मांड के आवरण में जाके भी उसका भी समय सीमित है वो वहां हमेशा हमेशा नहीं बैठ सकता जब जो ब्रह्मांड है उसका नाश हो जाएगा उसका ऐश्वर्य तभी समाप्त हो गया वापस उसको आना पड़ेगा इसलिए भगवान बाद में कहते हैं परस्त अस्मात तो व्यक्त व्यक्ति लेकिन जो मेरे भक्त है या जो मतलब इस ब्रह्मांड के बाहर की कुछ कामना करता है उसको हमेशा के लिए फल मिलता है आप समझ गए ना और आठवें अध्याय के अंत में भी वो भी बहुत सुंदर है एक्चुअली दो मार्ग के बारे में भगवान वर्णन करते हैं अगर हमने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा एक है अर्चिरादि मार्ग और एक धूमादि मार्ग आप समझ गए ना ये एक मार्ग से व्यक्ति बाहर चला जाता है ब्रह्मांड से मतलब मुक्ति या भगवान के पास जाता है दूसरे मार्ग से वापस आता है अब ये दूसरा मार्ग किसके बारे में बताया है अगर आप श्लोक देखोगे ना गीता में बहुत ही क्लियर है वो योगी के बारे में वो कौन सा योगी है जो ऐश्वर्य कमी वाला योगी उसके बारे में बात है वो पापियों के बारे में नहीं हो धूमादी मार्ग वो तो यम मार्ग में जाने वाले लोग है वो कहां से धूमादी मार्ग में जाएंगे आप समझ गए ना बात पाप देखो अलग अलग मार्ग है मृत्यु के बाद सब एक ही मार्ग से नहीं जाते हर एक का रोड अलग है <laughs> जो पापी व्यक्ति है उसको यम मार्ग है वो तो अलग ही मार्ग है उसके बारे में कितने में बताया नहीं है एक्चुअली वो जो धूमादि मार्ग बताया है वो किसके लिए है ये जो ऐश्वर्य कामी वाला योग है क्योंकि ये दिक्कत है यही भगवान इसलिए देवता लोग को कहते कि देखो तुम लोग भक्ति करते हो लेकिन ज्यादा आसक्त हो गए इसलिए हमेशा यही प्रार्थना करते हो मेरे दुश्मनों को मार दो ये करो मेरे कुर्सी को बचाओ यही प्रार्थना करते रहते हो तुम लोग मेरे साथ न? तो ये उतना अच्छा नहीं भगवान बोलते नहीं कि अच्छा नहीं भगवान बोलते कि मेरे शुद्ध भक्त ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं, बोलते हैं। दिखा नहीं के लिए कि नहीं ये इतना ऊंचा स्तर नहीं है भाई मुझे मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा ये पॉइंट कि आप लोग ऐसे ही मांगते रहते हो ठीक है ना इसीलिए गीता में देखो ना गीता में कितना सुंदर है इसीलिए गीता को हम कहते हैं कि ये अलग अलग स्तरों के बारे में गीता है आप समझ गए ना? ना क्योंकि भगवान गीता में इतना ब्रॉड रखा है भगवान ने भगवान जानते हैं कि सब प्रकार के लोग मेरा गीता लेके पढ़ने वाले हैं तो सब स्तर बता दिया ऊंचा स्तर भी बता दिया तो आपको ऊंचा स्तर आना है आप आ सकते हो आपको इधर ही संतुष्ट रहना है संतुष्ट रहो लेकिन इतना याद रखो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा जो भी वहाँ का सब फर्स्ट क्लास एन्जॉयमेंट है एक दिन उसका एक्सपायरी डेट है वापस आना पड़ेगा आपको इधर आपको चलेगा तो ठीक है आप करो वो पद्धति आ जाओ भगवान ऐसा नहीं कहते आप समझ गए ना तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर हैं है। पूछा भी ये पॉइंट कि कि समय के बारे में बताया ना षणमासा उत्तरायण समय के बारे में बताया एक्चुअली लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ समय नहीं है वो एक्चुअली एक मार्ग है क्योंकि ये जो बताया ना गीता में शुक्ल पक्ष अग्नि ज्योति ये सिर्फ समय नहीं है एक मार्ग है प्रोपर लिखते परपोर्ट में पढ़ता हूँ ये चौबीस श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं आप समझ गए ना ये चौबीस के श्लोक के पर्पोर्ट में प्रोपर लिखते हैं इसके बारे में रामाचार्य काफी डिटेल में बोलते हैं कि ये जो श्लोक है गीता के ये समय नहीं है ऐसा नहीं है कि वो समय समय तो होगा शायद लेकिन एक्चुअली ये देवता लोग है अलग अलग और उनका मार्ग है आप समझ गए ना जैसे दूसरा स्कंद में ना बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवत का मैं पढ़ता हूँ ये दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय का चौबीसवा श्लोक है वैश्वानरम याति विहाय सागत सुषुमया ब्रह्म पते न सोचिषा विदुत कल कल कोत हरे रुदस्ता लोक, लोक पहुंचने के लिए प्रकाश मा, प्रकाशमान सुषुमना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव की लोग वैश्वानर जाता है जहां वह सारे कलमशों से परिशुद्ध हो जाता है तब वह भगवान से तद्धाम के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है आप समझ गए ना तो ये जो भागवत में ना ये पुराणों में ये सब मार्ग बताया है आप समझ ना एक आ, इसको कहते हैं अर्चिस मार्ग कहते हैं एक्चुअली अर्चिस the path of light. ये मार्ग से भक्त लोग सब भगवत धाम जाते हैं और इसके बारे में चिंता करना भी एक भक्त का लक्षण है उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार से अक्रूर जब वो भगवान कृष्ण को मिलने गए ऐसे मिलने नहीं गए वो मार्ग के बारे में भी स्तुति करते हैं वो सोच ये जो मार्ग है ना जिस मार्ग से वो जा रहे थे मथुरा से वृंदावन उस मार्ग की भी उपासना करते हैं समझ गए ना तो ये मार्ग भी उपासना का एक गोल लक्ष्य है हमारा क्योंकि इस मार्ग से इतने सारे शुद्ध वक्ता भगवत धाम गए आप समझ गए ना हाँ तो गीता में इस प्रकार से भगवान आ, ये दोनों मार्ग के बारे में बताते और तीनों भक्त के बारे में बताते ये सब ये सब हमने क्यों चर्चा किया ओके okay, तो अभी हम वापस एक समाराय संक्षिप्त करेंगे जो भी आज हमने बात किया और थोड़ा एक आधा प्रश्न ले लेंगे तो तीन मुद्दों के ऊपर मैंने चर्चा की तो पहला तो पहला श्लोक में क्या था श्लोक में ये था कि भगवान कहते कि देखो संदर्भ क्या है ये वृत्रासुर आया हुआ है और देवता लोग सब उनकी जो शक्ति सब समाप्त हो गई और भगवान का आराधना करके भगवान आ गए तो उन्होंने पूछ लिया भगवान को आप कृपा करके इसका मृत्यु करो प्लीज प्लीज ऐसा पूछ लिया उन्होंने तो भगवान कहते हैं कि देखो मुझे प्रसन्न करने से सब कुछ प्राप्त तो होता है लेकिन मेरे शुद्ध भक्त इस प्रकार से मुझे प्रार्थना नहीं करते इस प्रकार का श्लोक और तात्पर्य था आज का तो हमने तीन बात कही पहला मुद्दा था कि कौन भक्त निष्किंचन भक्त हो सकता है तो निष्किंचन भक्ति है ना गो लक्ष्य तो निष्किंचन भक्त होने के लिए पहला मैंने अर्जुन का उदाहरण लिया सामर्थ्य होना चाहिए खुद में भी क्योंकि जितना आप आपकी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हो ना उतना कम आप भगवान को तकलीफ दोगे सिंपल बात है ना मतलब ये तो कॉमन सेंस है जैसे हम देखते भी है बच्चा घर में अगर वो अपना पढ़ाई अपना करियर ठीक ठाक कर लेता हो ज्यादा उसको मां बाप को तकलीफ देना का जरूरत नहीं पड़ता उसको क्योंकि वो सक्षम हो जाता है उसके मेरे वो सिर्फ प्रेम के लिए आदान प्रदान करते हैं अपने माता पिता के साथ उसी प्रकार से अर्जुन सक्षम थे वो कहते भी है कि मैं समर्थ हूं इन सबको मारने के लिए मुझे सिर्फ आप मेरे जीवन में मेरा मार्ग दिखाने के लिए मुझे चाहिए इस प्रकार से वो कहते हैं तो इस प्रकार सब प्रार्थना वो व्यक्ति कर सकता है जो सक्षम है जो सामर्थ्यशील वो पहला मुद्दा था हाँ लेकिन जैसे मैंने कहा ये अनिवार्य है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट तो इसलिए हमने दूसरा मुद्दा लाया दूसरा मुद्दा क्या था निष्किंचन भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको निष्काम कर्म की भी हम हमको हमारे जीवन में करना पड़ेगा मतलब हमारे दैनिक जीवन में भी अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हो जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कुछ भी जब हम करते हैं तो विपरीत परिस्थिति आने की हंड्रेड परसेंट संभावना होती है और वो स्वीकार करने के बाद ही आप उस कार्य कर सकते हो कि मैं विफल हो सकता हूं कोई दिक्कत दे तभी आप उसमें आगे जा सकते हो जो विफलता से डरता है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में वो बिजनेस नहीं कर सकता ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि जैसे देखो ब्राह्मण क्या चाहता है ज्ञान चाहता है क्षत्रिय शक्ति वैश्य जो है वो पैसे चाहता है धन कमाना चाहता है ये सब में वही बात है आप समझ गए ना धन जो प्राप्त करना चाहते हैं धन को हो सकता है जो वीर योद्धा होना चाहते हो वीर गति प्राप्त कर सकते हो और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला ब्राह्मण है ना उसकी भी समस्या बहुत है उसके बारे में उन्होंने कहा नहीं उसकी समस्या है कि ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है ना कल तक का जो ज्ञान था ना उसको उसका एक आ, क्या कहते हैं कि उसकी वो जो धारणा थी वो नाश हो जाता है ना जब आप नया ज्ञान कुछ लेते हो दैट मीन्स टूडेज नॉलेज समटाइम्स डिस्ट्रॉयज योर यज अंडरस्टैंडिंग तो उसके लिए व्यक्ति तैयार होना चाहिए मतलब जो व्यक्ति उसके लिए इंटेलेक्चुअली तैयार नहीं है वो ज्ञान के पीछे भी नहीं जा सकता तो बात यह है कि इसीलिए भगवान ने गीता में निष्काम कर्म से शुरू किया यहां से ही आप निष्किंचन भक्ति आ सकते हो आप डबल स्टेप जंप नहीं मार सकते और हम देखते हैं कि देवताओं को यह सब थोड़ा समस्या था उनके जीवन में इसके लिए वो ये होगी ठीक है अब ये हो गया फिर तीसरा हमने तीसरा मुद्दा हमने आज प्रस्तुत किया कि ठीक है ये सिर्फ ये करने से कोई व्यक्ति ऑटोमेटिकली निष्किंचन भक्ति नहीं बनने वाला निष्किंचन भक्ति करने के लिए आपको भगवान का श्रवण से शुरू करना पड़ेगा सातवा अध्याय और इसलिए भगवान बोलते कि और मेरा श्रवण करने के बाद भी भगवान बोलते कि तीन प्रकार के लोग रहेंगे जो ऐश्वर्य कामी रहेंगे मुक्ति कामी रहेंगे और जो भक्त की कामना करेंगे और तीनों को मेरी उपासना करना चाहिए भगवान कहते हैं और इनकी जो विविधता है कि किस प्रकार से वो अलग अलग धाम जाएंगे अलग अलग जगह जाएंगे उनका फल अलग अलग है ये सब आठवें अध्याय में सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण ने बताया तो उसके बारे में हमने चर्चा किया और जो भी तात्पर्य थे प्रोपा जी के आठवें अध्याय से दो तीन मैंने कोटेशन भी दिए यमुनाचार्य का एक श्लोक भी देखा ठीक है हरे कृष्णा Uh, एक आधा कोई प्रश्न अगर है तो हम देख सकते हैं आई थिंक वी हैव टू थ्री मिनट्स और वर्ड बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप इतना सुंदर तरीके से इस विषय के ऊपर चर्चा किए बिल्कुल क्लियर तो प्रभु जी जो पहला आपने मुद्दा बताया कि सामर्थ्य होना चाहिए तो अर्जुन तो बड़े पराक्रमी व्यक्ति थे तो उनके अंदर सामर्थ्य है अभी किसी के कर्म के अनुसार उसका उतना सामर्थ्य ना हो लेकिन क्षमता के अनुसार वो पूरा अपने चेष्टा कर रहा हो तो उसको उसको आप सामर्थ्य बोल रहे हैं या कर्म के अनुसार व्यक्ति का क्षमता जैसे आपने जो दो बच्चों के उदाहरण दिए उसमें एक नालायक था वो काम ही नहीं कर रहा था अपना तो क्षमता yes, हाँ, हम हम तो लेकिन हमारी एक क्षमता रहेगी ना जो पीक क्षमता जो वो तो हमको प्राप्त करना पड़ेगा और हमारी इच्छाएं भी वैसी होनी चाहिए अभी मेरी क्षमता नहीं मैं यही नहीं सोच सकता विष्णु और द्रोण के सामने आके खड़ा रहूंगा फिर भगवान भी हमको अभी सुदामा ब्राह्मण तो नहीं जाते है ना वहां पर कुरुक्षेत्र है क्योंकि वो सुदामा ब्राह्मण है वो की क्षमता अलग है वो नहीं जा सकते वहां पर द्रोणों का युद्ध करने के लिए तो हर एक को अपनी क्षमता के हिसाब से यही थे स्वधर्म तो गीता में निष्काम कर्म के पहले कंसेप्ट स्वधर्म है स्वधर्म मतलब आपकी क्षमता के हिसाब से ही आप कार्य चुनो इस जगत में और जो आपकी क्षमता के हिसाब से उसमें आप पूर्ण तरह से बेस्ट करो आपका तब आपको भगवान को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप समझ गए ना हाँ ठीक है अभी मेरी क्षमता ही नहीं है आई में प्रवेश करने का तो फिर मैं ये नहीं कह सकता हूं ना कि मैं यही पढ़ाई करूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं शायद मिलेगा नहीं क्योंकि शायद मेरी कैपेसिटी नहीं हो हम देखते हैं एक्चुअली दुर्भाग्य की बात है लोग का क्षमता नहीं रहता और वो लेते हैं अभी ये साल मैंने पढ़ा कि कोटा में सत्रह सुइसाइड हुए सत्रह मतलब कितना बड़ा नंबर कितने नौजवान सत्रह अठारह साल के बच्चे जाके वहां फैन से लटक रहे ऐसे मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि व्यक्ति की क्षमता नहीं है तो ये स्वधर्म है ये तो पहला कंसेप्ट है गीता का आपको आपका स्वधर्म के हिसाब से ही एक एरिया चुनना चाहिए जीवन में और उसमें आपकी जो एक पूर्ण क्षमता रहती है ना मतलब हम बोलते हैं देखो ये ग्लास भी पूरा है लेक भी पूरा है समुन्द्र भी पूरा है उसके हिसाब से आपको समर्थ होना पड़ेगा हाँ हाँ ठीक है देखो कुछ भी हो एकदम सिंपल कह रहे मैं कॉबलर रहूंगा वो मेरी क्षमता है कौब। लेकिन में तो मुझे फिर पूरा सामर्थ्य होना पड़ेगा ऐसे नहीं कि वो कार्य भी, भी नहीं कर सकता भगवान से मेरे को जूता सिलाना नहीं आता कुछ जो भी आप कार्य चुनते हो आपकी ही स्थिति के हिसाब से उसमें आपको पूर्ण प्रगति तो करना पड़ेगा ना वो व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो है पहला उतना मैंने कहा जी जी तो अभी क्षमता के अनुसार अपना कार्य पूरा करने का उसमें भी व्यक्ति का असक असामर्थ्य हो सकता है किसी परिस्थिति के अंदर हाँ। पूरा करने में जैसे हाँ, निश्काम हाँ। जयद्रथ तो... हाँ। को मारना उसको संभव नहीं हुआ देखो ना अर्जुन कौन को व्यक्ति है जयद्रथ तक पहुंच ही नहीं पाया वो काल तक कितना कॉन्फिडेंस था उसमें नहीं मैं पहुंचूंगा मार के रखूंगा उसको लेकिन नहीं पहुंच पाए वो क्योंकि देखो आप कोई भी हो दुनिया तो ऐसे आप विफल हो सकते हो तो निष्काम होना चाहिए। तो इसलिए स्वधर्म पहला, स्वधर्मा, पहला गीता का स्वधर्म दूसरा निष्काम फिर सातवें अध्याय से भक्ति में आप प्रवेश कर रहे हो तो ये ए, मे, मेरा यही कहना है कि ये सब में संबंध है हम ये संबंध देके बिना कहीं घुस नहीं सकते क्योंकि फिर हम गलत गलती करेंगे आ, मुझे हिसाब से समय हो गया अभी ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर वृंद की जय निता गौर रे रिबोल <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद